our previous video, we have already discussed types of stress such as tensile stress and compressive stress. Now in this video, we have a most important topic, hydrostatic stress. ये हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस क्या होता है? हमारा एक ऐसा स्ट्रेस होता है जो किसी बॉडी में डेवलप होने पर लगातार क्या करता है, दो प्रॉपर्टी रखता है, जैसे टेंसाइल और मे बी कंप्रेसिव. ओके, ये जो होता है ये फ्लूडिड बॉडी में मोस्टली हमें देखने को मिलता है. ओके, सो लेट स्टार्ट. व्हेन टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल in all direction within or external to a body is known as hydrostatic stress. So when tensile or compressive stress is equal and in all directions works equally within or external to a body. मीन्स अगर हमारे पास कोई बॉडी है, उस बॉडी पर अगर कोई स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो चाहे क्या हो, हमारा टेंसाइल स्ट्रेस हो, वर्क करता है, लेकिन वो क्या कर रहा हो, हर एक डायरेक्शन में इक्वली वर्क कर रहा हो, यानी कि जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं उन सभी डायरेक्शन में क्या कर रहा हो, इक्वली वर्क कर रहा हो, तो ऐसे स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस. जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है, हाइड्रो मीन्स जैसे हम जानते हैं वाटर, यानी कि फ्लूइड फॉर्म में. तो ये क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फ्लूइड फॉर्म में स्ट्रेस को क्या करता है, डेवलप करता है. सो बाय दिस डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने एक 3D डायग्राम बनाया. ये हमारे पास क्या है, कोई क्यूब है. ओके, इस पर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना रहा हूँ. ठीक है, आप जानते हैं क्या होता है हमारा एक्स, ये क्या होता है वाई, एंड दिस इज जेड कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो इनमें जो एक्स डायरेक्शन में वर्क कर रहा है स्ट्रेस वो कौन सा है, सिग्मा एक्स है. एंड जो अप साइड में इस पर जो वर्क कर रहा है वो क्या है, सिग्मा वाई है. एंड जो इस पर जेड डायरेक्शन वर्क कर रहा है वो क्या है, सिग्मा जेड है. सो दी हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट पर हमने जो टेंसाइल लगाया है, जो टेंसाइल स्ट्रेस वहाँ पे डेवलप किया है, वो टेंसाइल स्ट्रेस क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है ऑल डायरेक्शंस में. सो क्या कर रहा है वो, ऑल डायरेक्शन में क्या कर रहा है वो, वर्क कर रहा है. ओके, तो इसे क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस. ओके, थ्रू दिस डायग्राम इसमें देख रहे हैं आप, जितना भी स्ट्रेस जो है डेवलप हो रहा है वो सारा क्या है, इक्वल है. सो वी कैन राइट इट एज सिग्मा जेड इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स. मीन्स जो हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस होता है वो ऑल डायरेक्शंस में क्या होता है, सेम होता है. यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम किसके लिए बनाया हमने, टेंसाइल हाइड्रो स्टेटिक स्ट्रेस के लिए एंड ऑल्सो फॉर कंप्रेसिव हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस. मैं अगर यहाँ पे कोई बॉडी बनाता हूँ, सेम बॉडी ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, सपोज हमारी क्या है, कोई क्यूब है. ओके, इस क्यूब में
अगर हम कोई कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, क्या करते हैं इस पर हम कोई कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या करते हैं, डेवलप करते हैं फ्रॉम ऑल साइड्स। ओके, तो ये क्या होता है हमारा, कंप्रेसिव हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस होता है। क्योंकि ये जितनी भी डायरेक्शन दिख रही हैं आपको, अगर हम बात करें किसी क्यूब में, कितनी डायरेक्शंस होती हैं, तो हम जानते हैं देयर आर सिक्स डायरेक्शन। हमारे यहाँ पे कितनी डायरेक्शन होती हैं, सिक्स डायरेक्शंस होती हैं। तो दीज आर ऑल सिक्स डायरेक्शंस आर अप्लाइड सेम और इक्वल हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। सो सिग्मा जेड सिग्मा वाई, सो वी कैन से दैट सिग्मा जेड इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, ओके, फॉर कंप्रेसिव, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर टेंसाइल। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है हमारा हाइड्रोस्टेटिक विद कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो गुड बाय एंड टेक केयर।